हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको यूपी बीएड्स का रिजल्ट्स आपको डाउनलोड करके दिखाएंगे। तो आप यहां देख सकते हैं स्क्रीन पर, तो आपको यहां पर दिख रहा होगा बीएड रिजल्ट्स का यहां पर एक आइकन आप देख सकते हैं। यहां पर जो वेबसाइट है upbed2022.in की हम वेबसाइट्स पर हैं, तो आप चाहे इस वेबसाइट पर जाइए या फिर आप जो देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट है यहाँ पर mjpru.gov.in, तो आप उस वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। तो दोनों वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जिस पे जाना चाहें उस पे आप जा सकते हैं। तो फिलहाल हम upbed2022.in के वेबसाइट्स पर हैं, तो आप यहां देख सकते हैं और यहां पर आपको बीएड रिजल्ट्स का यहां पर आपको एक आइकन मिल रहा होगा, लिंक से मिल रहा है। तो यहां पर इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो यहीं से आप पेपर फर्स्ट पेपर सेकेंड के आंसर की भी डाउनलोड कर पाएंगे और रिजल्ट्स भी डाउनलोड कर पाएंगे। पहले हम आपको आंसर की दिखा देते हैं डाउनलोड करके। तो यहाँ पर हम जो इंपॉर्टेंट लिंक है यहाँ पर बीएड रिजल्ट, तो इस लिंक पर हम क्लिक कर देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिंक पर क्लिक कर दिया और ये नेक्स्ट पेज ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट पेज ओपन हो रहा है और यहाँ आपको बॉक्स मिल रहा होगा, देख सकते हैं यहाँ पर बॉक्स में लिखा है क्लिक हेयर टू डाउनलोड स्कोर कार्ड। अगर आप रिजल्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो फर्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आप क्लिक हेयर टू डाउनलोड आंसर की पेपर फर्स्ट का आंसर की डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सेकेंड बॉक्स पर क्लिक करेंगे। अगर आप पेपर सेकेंड का आंसर की डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप थर्ड बॉक्स पर क्लिक करेंगे। चलिए हम आपको दिखा देते हैं थर्ड बॉक्स पर क्लिक करके, जहाँ पर लिखा है क्लिक हेयर टू डाउनलोड आंसर की पेपर टू का हम आंसर की डाउनलोड करेंगे, जो कि अगर आप साइंस साइट्स के हैं तो आपको साइंस साइट्स के 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप आर्ट्स साइड्स के हैं तो आर्ट्स साइड के 50 क्वेश्चन मिलेंगे और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप कॉमर्स साइड से हैं तो कॉमर्स 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के सभी में क्वेश्चन आपको मिलते हैं 50। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर पेपर आंसर के डाउनलोड हो चुका है, इसको हम ड्राइव PDF व्यूअर से इसको देखेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर पेपर डाउनलोड होकर ये ओपन हो रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर पेपर टू आंसर की, तो पेपर का जो कोड है देख सकते हैं यहाँ पर पेपर कोड है QQQ4Q है पेपर कोड। यहाँ पर ग्रुप फर्स्ट यानी साइंस स्ट्रीम का ये आंसर की है, पेपर सेकंड का BEd 2022 पेपर सेकंड की, देख सकते हैं यहाँ पर पेपर सेकंड का ये आंसर की है। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन आए थे, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के थे देख सकते हैं यहाँ पर, और 50 क्वेश्चन जो भी आप जिस भी साइट से आप पेपर दिए होंगे उसी साइट से आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर सारे क्वेश्चन के आपको आंसर मिल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं पेपर कोड ये फर्स्ट वाला QQQ4Q का आंसर की है। यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो RRRR बुकलेट का आंसर की है, जो भी आपका बुकलेट रहा हो तो आप यहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहां पर है SSSS का आंसर की, तो आपका जो भी बुकलेट नंबर रहा हो तो आप उसका आंसर की यहां से मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट है TTT यानी 4T, तो जो भी आपका रहा हो पेपर सीरीज वो आप सीरीज का आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं यहां से। तो देख सकते हैं यहां पर सारे आंसर की यहाँ पर हैं, ग्रुप टू जो भी आपके जिस भी आप स्ट्रीम से दिए हो पेपर तो आप उसका आंसर की यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको नहीं याद कि आपका बुकलेट सीरियल नंबर क्या था, तो आप जब भी एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको आंसर की का थर्ड पेज आपको प्रोवाइड किया गया होगा, थर्ड पेज आपको ले जाने के लिए कहा होगा। तो आपके पास थर्ड पेज होगा तो आप उसमें देख सकते हैं कि आपने पेपर कोड क्या वहाँ पर डाल रखा है, R डाल रखा है यानी 4R या 4S या 4Q या 4T जो भी है आप वहाँ से देख सकते हैं, और फिर उसको आप पता कर पाएंगे कि आपका बुकलेट नंबर क्या था। तो आप वहां से आंसर की मिलान कर सकते हैं, और आपके पास वो थर्ड पेज आंसर की भी होगी तो उसमें जो भी आप बबल्स वहां पर चूज किए होंगे तो थर्ड कॉपी में भी आपको शो कर रहा होगा कि फर्स्ट में आपने कौन सा ऑप्शंस बबल किया है, कौन सा बबल का कलर किए हैं। तो आप उससे मिलान कर सकते हैं और उससे आप पता कर सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमें इतना ही बताना था कि आप आंसर की कैसे डाउनलोड करेंगे। तो आप पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों का आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको रिजल्ट डाउनलोड करना है तो आप रिजल्ट के बॉक्स पर क्लिक करेंगे, फिर आपका अपने यूजर आईडी पासवर्ड से आप साइन इन हो जाएंगे और फिर अपना स्कोर कार्ड आप डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे आपको जल्द नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ।